So guys, ये देखिए आज फिर से कृष्ण कमल का फल चोरी करते हुए आज जामुन सीड्स पाउडर ये मैं बहुत हेलो गाइस वेलकम टू लंबी व्लॉग कैसे आप भाई होप आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह हो चुकी है और आज क्या कहते वीकेंड वाले दिन हफ्ते 10 दिन में ना सबका ही इडली खाने का मन कर जाता है हम लोगों का। एक जहाँ से हम हमेशा से इडली लेते हैं ना वहाँ से बहुत ज़्यादा टेस्टी वो रसम देता रसम कह रही हूँ वो चटनी वगैरह रहता है उसका सांभर और इडली भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरे पति देव को तो उसके यहाँ का इडली बहुत पसंद है तो आज मैं जा रही हूँ इडली लेने साथ में ये बोतल लेके जा रही हूँ। गन्ने का जूस भी पीने का मन था तो गन्ने का जूस भी ले लूँगी। ये देखिए हमारा वीकेंड का ब्रेकफास्ट रेडी है नारियल की चटनी सांभर और ये लाल वाली चटनी है और ये इडली कितना यम्मी लग रहा है। लेके चलते हैं पति देव के पास। ऐसे दिखा दियो ना जैसे कि ना तुम ना बना के लाई है। बना के नहीं लाई पर मैं सुबह सुबह उठ के आपके लिए उतनी दूर जाके लेकर तो आई आपके फेवरेट शॉप से आपकी फेवरेट इडली साथ में आपका ये एक्स्ट्रा ये वाला चटनी लाल वाला ये वाला तुम्हारा कहाँ खाना लेके आ रही हूँ मैं। तो गाइस मैं ना क्या कहते कुछ महीनों से एक पाउडर यूज़ कर रही थी जो कि मेरे को पेट में बहुत ज़्यादा क्या एसिडिटी और थोड़ी थोड़ी सी जलन तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो मैं क्या कहते हैं मैंने अमेजोन से पाउडर ऑर्डर किया था और वो पाउडर मैं 1-1.5 महीने से खा रही हूँ। मेरे को इतना फ़र्क पड़ा इतना फ़र्क पड़ा मेरा सारा पेट का जो भी दिक्कत था एसिडिटी जलन वो सब मेरी ख़त्म हो गई। मैं रेगुलर उसे यूज़ कर रही हूँ तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरे से मैं कौन सा पाउडर है। तो ये देखिए ये है जामुन सीड्स पाउडर ये मैं बहुत 1-1.5 महीने से यूज़ करी थी और ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर से इसको ऑर्डर किया है और ये मुझे अमेजोन से मिला है। तो मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डालूँगी आप लोगों को भी खाना चाहिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये पेट के लिए। शुगर जिन लोगों को शुगर होती है शुगर के लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये। तो ये मैं इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ और आप लोगों के सामने अभी मैंने पिया नहीं है आज वाला मतलब रोज सुबह पी रही हूँ अभी आज वाला मैंने पिया नहीं तो सोचा कि पी रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी दिखाऊँ कि मैं कैसे शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने इतना पानी लिया है 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा और अब मैं इसमें मिलाऊँगी 1 चम्मच जामुन सीड्स पाउडर। इतना बेनिफिट करता है ना आपके पेट को आपके बॉडी को शुगर लेवल मेंटेन करता है एसिडिटी खत्म कर देता है पेट में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो वो खत्म कर देता है। तो ये मेरा रेडी है का टेस्ट का वो बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल पानी जैसा टेस्ट है हल्का हल्का पानी जैसा। तो आप लोगों को भी ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए जामुन सीड पाउडर। मैं इसका पूरा पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और ये अभी ऑफर में भी चल रहा है तो प्लीज़ जाके इसको खरीदिए और आप लोग यूज़ करिए और आप लोगों को कितना फ़ायदा होता है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। मैं भी बोलने वाली थी क्या बोलना चाहिए क्या बोलना कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे या मैं आपको लेके जा रही हूँ ये भी देखो खाली हो गया फिर कहाँ लेके जा रहे हो आप मुझे कि मैं आपको लेके जा रही हूँ। मैं जा रहा हूँ तुम लेके जा रही हो झुमरी तलैया ठीक है आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं झुमरी तलैया कहाँ पे है। सो गाइस ये देखिए आज फिर से कृष्ण कमल का फल चोरी करते हुए आज पूरा का पूरा यहाँ पे ये लेक का एरिया खाली है। फल मिल गया है आज रवि को खिलाएंगे आज हम सब का एक दो और मिल जाता ना तो इसका शरबत बना देना तीनों पीते एक ही काफी है एक ही में सब हो जाएगा। चलो देखते हैं अभी एक दो और मिल जाए तो मैं इसी झुमरी तलैया की बात कर रही थी आज कितना सुकून है बिल्कुल भी लोग नहीं है अभी शायद शाम तक लोग आए यहाँ पे आती है लवली लॉज में
मछली पकड़ती है और खा लेती है। नहीं, ये जगह की ना फीलिंग्स ही अलग है, बहुत स्पेशल फील होता है यहाँ पे, मतलब अच्छा लगता है, बहुत शांति पीसफुल, और पानी जहाँ रहता है पानी के साथ तो वैसे भी शांति है ही है। नाला में भी पानी रहता है, वहाँ शांति रहता है। चुप करो यार, हर जगह के पानी में ना फर्क होता है। Exactly, that's what I was talking about. आप गलत एग्जांपल, पानी कहीं वहाँ पे देखो एक वो बतख था ना, वो डूब गया अंदर, मतलब कि ऐसे डुबकी लगा लेगा कि पता नहीं कैसे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सारे बतख। इससे पहले हम आए कभी बतख नहीं था ना, अभी नया नया डाले हैं। हाँ लग रहा है, यहाँ बीच में क्या कहते हैं ना, इस जगह पे ना एक बतख अंदर कूदा, फिर पता नहीं किधर निकला, निकल भी गया वो। हाँ शायद निकल गया होगा। कितना प्यारा लग रहा है पानी, और आसमान तो उससे भी ज़्यादा प्यारा। पानी और आसमान का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, डकली कॉम्बिनेशन है ना। चलो फिर वॉक करते हैं, बनाओ ना फिर तुम। क्या बनाओ? अभी कैसे कर रहे थे, फिर से करो क्या? करो तो सही। क्या करो फिर सही? अभी कैसे मुंह बना रहे थे? मैं कहाँ बना रहा था। तो हम लोग वॉक करते करते बैठ गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल लेक के सामने, मस्त सूरज ढलते हुआ दिख रहा है। और वहाँ पे ये जो वाइट वाइट आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे बगुले हैं यहाँ पे बहुत सारे बगुले हैं। और वो सामने वाले पेड़ पे, यहाँ पे भी दूर से ठीक से दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे बगुले हैं। और यहाँ पानी में ये देखिए, एक यहाँ नीचे यहाँ पे घूम रहा है ये, यहाँ पे क्या कहते हैं, कब से मछली ढूंढने की ट्राई कर रहा है। हम थोड़ी देर उस साइड भी बैठे, वहाँ पे भी क्या कहते हैं दिख रहा, वो मछली ढूंढ रहा था, इसको मिला नहीं। बहुत देर चलता चलता हम यहाँ तक आगे बैठे तो बैठते, ये भी हमारे साथ साथ यहाँ तक आगे बैठे बैठे मस्त ये अपना शिकार ढूंढ रहा है, बट इसे अभी तक मिल नहीं रहा है, बेचारा बहुत संघर्ष कर रहा है, है ना जी। करते करते बचा। हाँ बहुत ज़्यादा। हम लोग वॉकिंग करने पे आए थे, वॉकिंग करते करते बैठ गए क्योंकि हम ये बगुले को देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। बगुले को देखने में हमें मज़ा नहीं आ रहा, इसे मज़ा आ रहा है। मुझे आ रहा है मज़ा। आप गांव वाले हो ना, मैं शहर वाली हूँ। गांव वाले को क्या इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, जो शहर वालों को इंटरेस्ट है। अगर गाँव की चीज़ें से शहरों में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है ना। बोला चीज़ें शहरों में जाते तो मज़ा आ जाता। दुष्ट कहीं के। अरे क्या इंसान है यार तुम, मस्त धूप आ रही है हमारे सेल्फी की चचा अकेले अकेले खींचो खींचो खींचो, ऐसे कौन शर्माता है यार, ऐसे कौन शर्माता है। एक बहुत कम फोटो होगा मेरा खुद का, सोचे आज खींचते हैं तुम उसमें भी डिस्टर्ब कर दूंगा। तेज धूप आ गई ना एकदम से, मजा आ गया। अब इन्होंने पता ही क्या, बगुला को ना पत्थर मार के भगा दिया, झूठी इंसान। हाँ, मैं बोला उधर फेंका, बगुला इधर था, मैं मना कर रही थी, फिर से उड़ के गया पत्थर को कैच करने। हम बोले बोका मानुस, तुम पत्थर को कैच कर लोगे, उड़ के चल गया। इसी में मना कर रही थी, मत फेंको, जब जानबूझ के फेंक दिया, कोई बात नहीं। खींचो ना जी सेल्फी, चलो मेरी भी खींच दो, सुबह हो चुकी है और पति देव जी जा रहे हैं अपनी टीम आउटिंग पे, तो मैंने उनका बैग कर दिया है रेडी, नाइट ड्रेस भी रख दिया है, और एक ड्रेस जींस भी रख दूं क्या आपका? हुँ? एक जींस बोले थे ना, रख दूं क्या? तू कुछ खाए? कहाँ जा रहे हो टीम आउटिंग पे? कहाँ जा रहे हो टीम आउटिंग पे? एक जगह जा रहा हूँ। एक जगह कौन सा जगह बता दो, कौन सा जगह? एक रिसोर्ट है, रिसोर्ट नाम भूल गया। तो जा रहे, अब ये आएंगे कल दोपहर को, मतलब कि 24 घंटे बाद ही आएंगे, तो मुझे बिल्कुल एक दिन और एक रात बिल्कुल अकेले रहना, कोई बात नहीं, जाओ क्या बताओ बताओ। ठीक है चलो बाय। सो गाइस मैंने इन्हें छोड़ दिया है आधे रास्ते तक ऑफिस तक, जल्दी में थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे, तो निकलना भी था सब लोगों को, सब लोग वेट कर रहे थे। तभी मैं घर जाऊंगी, और घर जाके मेरा सारा काम तो हो ही गया है, लंच बन गया, घर की साफ़ सफाई हो गया, पूजा पाठ सब कुछ मेरा हो गया है, बस घर जाके ब्रेकफास्ट करूंगी, रेस्ट करूंगी, वीडियो एडिट करूंगी, पोस्ट करूंगी, और भी थोड़ा मोड़ा कुछ काम होगा वो करूंगी। देखते हैं कि पूरा दिन कैसे बीतता है मेरा, दिन दिन तो बीत जाएगा क्योंकि आदत है ऑफिस का,
रात में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब चलते हैं घर। तो आज का ब्लॉग रखते हैं यहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपनों का ख्याल रखिए, अपनों से प्यार करिए और हमारे वीडियो को भी ढेर सारा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।